गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज मैं और दिनेश हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि है यहाँ का बहुत पुराना म्यूजियम। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि उसके अंदर है काफी सारी मम्मीज और पुराना टाइम का, मतलब बहुत कुछ है। मैंने देखा था, मैं ऐसे बता नहीं सकता, मैं तुमको दिखाऊंगा तभी मजा आएगा। तो फिलहाल हम दोनों अभी निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं। और यहाँ से वापस मौसम की वही अपडेट कि भाई इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, वापस से इतने ढक के रहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इतने ढक के रहने के बाद सारे हाथ काले पीले हो गए। तो हमारे लोकेशन से है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर, तो ज्यादा मतलब देर नहीं लगे पहुंचने में। गूगल मैप के हिसाब से हमें कम से कम लगेगा आधा घंटा। तो भाई ये है पार्किंग और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये है अपने सामने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। चलो भाई इसे अंदर चलते हैं, एंट्री है यहाँ से। देखो भाई ये है तुम्हारे सामने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये देखो, ये चीज़ तो सुंदर लगी भाई तुम्हारे भाई को, है ना सुंदर। एक बार डेफिनेशन देखो इसकी बनाने की। और यहाँ पे कुछ कुछ दुकानें भी है खाने पीने की। भाई इसके सामने एक तो ये है, ये गार्डन, इसका छोटा सा मिनी एक गार्डन बना रखा है, ये देखो। और ये है इसका फ्रंट साइड, यहाँ से फ्रंट साइड। ये बहुत साल पहले मैंने यहाँ से फोटो खिंचाई थी, ये आ गया। इसके बाहर से इसके मैं ना ये है ना, रात को लाइटिंग भी होती है, लाइट वगैरह लगी हुई है ना, रात को होती है। और रात को तो भाई इतना खतरनाक लगता है, मज़ा आता है उसको देखने में। लेकिन हम लोग रात को वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि तो वीडियो रात को कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए दिन में आ गए। देखो ये लड़का खड़ा है ना वहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे इसका फ्रंट साइड, बाहर से खींच सकते हैं फोटो वगैरह। ठीक है भाई, देखो इसका फ्रंट साइड, ये रहा। ऐसे लग रहा है भूल भुलैया के हवेली में आ गए हैं दिनेश, देखिए लग नहीं रहा बिल्कुल सामने वाले से, ये रहा। चलो भाई एंट्री करते हैं अंदर का, देखो भाई डिजाइन है ना, सवाई मान सिंह है, महाराजा सवाई मान सिंह, राम सिंह, ये महाराजा स्वामी राम सिंह है। देखो इन सब की यहाँ पे ये लगी हुई है, स्वामी लिख रखा वो देख, सवाई सवाई है। अगर ये भाई महाराजा जय सवाई राम सिंह, भाई इतने मुश्किल से नाम है, बोले भी जा रहे ये सब, इन सब की यहाँ पे वो लगी हुई है मूर्ति, ये रहा एल्बर्ट हॉल, सबका थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। यहाँ बीच का डिजाइन देखो, जिस चीज़ ने राज करा है ना यहाँ पे, ऐसे दिखता है ये, दिख रहा है लाइटिंग, इसमें काफ़ी सारी लाइटिंग होती है इसके अंदर रात को। ये जो तुम लोग कारपेट देख रहे हो सामने, ये है 1986 के, उसी टाइम के कारपेट है ये, एक ये दो और बाकी के तीन, ये तीन जो है वो बनाए गए हैं इसमें जेल में, और बाकी के दो कहाँ गए, बाकी के दो हैं ये एक और ये दो सामने वाला, ये दो बनाए गए हैं लाहौर में उसी टाइम के हैं, ये अभी तक प्रिजर्व कर रखा है इसको, देखो। और सारे वो हैं पर्शियन वाले, पर्शियन कारपेट है, पर्शियन मुगल वगैरह। ये उस जमाने के बर्तन है, ये देखो ये सारे, ये ग्लास तांबा का, ये देखो, और इन सब के नाम ऐसे लिख रखे हैं, पहले का है डिश, दूसरे का है पतेरा, उसके बाद कोर्ड ट्रे स्टार जिंक प्लेट। ये अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ ना 18+ भी बना रखा है, ये देखो ये पीछे, ये मैं तुम्हें ज़्यादा दिखा नहीं सकता भाई, पारिवारिक चैनल है मेरा भाई, ये दिखा नहीं सकता मैं तो देख रहा हूँ, ओह सॉरी नहीं देख रहा, सॉरी। अब ये है तुम्हारे सामने भाई, ये मेडिवल टाइम की, ये सब रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है, बस उस तरह की कॉपी है, रेप्लिका है सारी की सारी। लेकिन इसी में डेफिनेशन देखो यार है तो, और सब बनी हुई मिट्टी की है, ये देखो। सामने है तुम्हारे भाई बुद्धा जी की एक आकृति लगा रखी है यहाँ पे, ये उसकी बनी हुई एल्यूमिनियम की, ये देखो गोल्ड में प्लेटेड है बिल्कुल, तांबा या एल्यूमिनियम जैसा कुछ लग रहा है, ये देखो। और यहाँ पे भाई तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ जैपनीज आर्ट, ये है 19th century की, उस जमाने के लोग यहाँ पे मतलब इस तरीके के कपड़े वगैरह कुछ ऐसे पहनते थे, देखो देख रहा है। तुमने अगर तुम लोग निंजा हथौड़ी के फैन हो तो इसमें जो नोवा है ना लेटर केस, ये वाला, ये इसके अंदर लेटर वगैरह बेचते थे, वो हथौड़ी बांध के नहीं बेचता था लाल उसके अंदर पट्टे में, एक ये है जिसमें लेटर बेचते थे, ये लेटर का केस सिल्क से बना हुआ। दसवा है ये कुछ पाउडर बॉक्स है, ऐसा बहुत कुछ बता रखा है, बस इसमें ये लिख रखा पाउडर बॉक्स है, ये
और 11वां है सोप, 11वां ये रहा, ये साबुन का डब्बा है ये वाला, सारे सिल्क के बने हुए, और ऊपर इसमें है इनकी कुछ तलवारें, ये देखो सारी असली है वाली। ओ भाई कितनी लंबी है यार ये तलवार तो। और ये देखो भाई ये तुम्हारे सामने जापानीज बेस, ये कितना बड़ा भाई, ये यहाँ के डेफिनेशन देख के तो मजा आ गया एक बार, ये देख क्या काम करते हैं भाई, मजा है ये देखियो क्या ड्राइंग बना रखी है। और ये भाई ये है तुम्हारे सामने बर्मसी गोम, अब इसका नाम तो यही बता रखा है, इसके अंदर जो बजाते नहीं है क्या उसमें स्कूल की छुट्टी हो जाती है जो ये वही है, है? क्या है सामने तुम्हारे 19th सेंचुरी के बर्तन, और ये बनाए गए हैं जॉन डॉल्टन में, जॉन डॉल्टन ने, और 1815 के बर्तन है भाई ये, 1815 के, ये देखो ये कपड़े के बने हैं, अभी तुम्हें कैमरे से पता नहीं चल रहा होगा ये बाहर का जो आउटर लेयर है ना ये कपड़े की है, और ये अपना ये तो ग्लास का ही है, ये वाला भी ग्लास का ही है, ये लगा है तुम्हारे सामने टर्किश पॉटरी है, रेड पॉटरी जिसका नाम कहता है टर्किश रेड पॉटरी, और इसके अंदर जो भी है ना सिल्वर और गोल्ड से जो भी है ये उस पर आउटलाइन कर रखी है ना, ये उसके पेंट से कर रखी है, लेकिन फॉल्स मेटल है ये, असली नहीं है मतलब, ये देखो लेकिन बस उसकी बस वही जैसे आउटर कर रखी है ना जैसे ये रहा ये गोल्ड ये सब वो है पेंट है। ये एक ये दो और ये तीन ये है चाय पीने के बर्तन, और बाकी चौथा और चौथा है ये है एस्ट्रे नट बॉल, ये है नट बॉल, नट बॉल क्या होता है भाई मेवे, अच्छा मीठा खाने का कुछ मीठा वगैरह रखते हैं ना इस बर्तन में रखते हैं, यह है चाय का बर्तन और ये है चीनी का, ये प्लेट है इसमें चाय वगैरह रखते हैं, अब ये सारे हैं पर्शियन बर्तन लेकिन कांच के, सारे कांच के बने हुए पर्शियन बर्तन, ये देखो ये तो बिच्छू जैसा लग रहा है दिनेश, ये देख बिच्छू जैसा बर्तन, ये देख उसके डिजाइन का है, ये मछली जैसी है, अब इसमें रखते क्या होंगे खाली पड़े, लेकिन छोटे छोटे है ना नशे करने के लिए, नशे करने के लिए सब ऊके छोटे ये आ गई तुम्हारे सामने हंगेरियन पॉटरी, ये देखो अद्भुत है भाई अद्भुत कमाल, ये देखो इसके अंदर भी बाउल है, पहले बाहर बना हुआ उसके अंदर भी एक और बाउल है यार, ये वाले मम्मी को बोलूँगा ये सोम बाजार में मिल जाए तो बर्तन, ये वाले हैं मतलब कोई मेहमान आएगा तो हवाबाजी हो जाएगी इसके सामने भाई, कोई राजघराने के बर्तन बैठे हुए भाई, ये देखो ये तो मटका हो गया, ये अपने इंडियन मतलब भगवानों के भी लिख रखा है यहाँ पे, मूर्ति बना रखी है ये देखो ग्लास के अंदर, ये नरसिंह है, ये पिलग्रिम फ्राज है, इस पर गणपति जी बना रखे हैं, गणेश जी बना रखे हैं, इस पर विष्णु जी का अवतार बना रखा है, ये देखो और ये कृष्ण जी बना रखे हैं, देखो इस साइड पे बर्तनों पे बना रखे हैं, और सरस्वती बना रखी है, देखो भाई यहाँ का हॉल, ये देखो ऊपर भी ऐसा लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है हाथ से बना सब कुछ, डेफिनेशन देखो भाई कितना सुंदर बना रखा है, और ये ऊपर अपने एसी बाकी सब इन चीज़ों को ठंडा उंडा रखता है भाई, देखो यहाँ पे हर जगह बर्तन ही बर्तन बना रखे, कोई पर्शियन है कोई टर्किश है कोई अपना इंडियन भी रख रखे कुछ ना कुछ, बता रहे भाई ये किसी मंदिर का ना लेफ्ट पार्ट का कोई एक पार्ट है, ये देखो ये पत्थर है उसका, आजकल हिंदू टेम्पल में होता है ना लेफ्ट पार्ट एक पत्थर में जो बना होता है, ये देखो जब बस ये लिख रखा है इसके अंदर उसका एक पार्ट है लेफ्ट डोर का बता रहे हैं, एक चीज़ भी जो है तो पत्थर है भाई, देखो पूरी मार्बल है ये, में भाई देखो जो भी है ना थोड़े थोड़े पार्ट रख रखे हैं पत्थर के, सारी मूर्ति बना रखी है आगे तक, इस वाले एरिया में सारे पत्थर के हैं, और सामने जो था वो था ग्लास वगैरह का, यह है अपने शिव जी का एक फेस का यहाँ रख रखा है, ये भी पत्थर का बना हुआ, एक 8वीं सेंचुरी का उदयपुर से लाया हुआ है भाई ये वाला, तो भाई ये विष्णु जी की है चार हाथ वाली मूर्ति, ये देखो जैसा कि इसमें लिख रखा वैसे बता रहा हूँ मैं, ये देखो 400 विष्णु जी सांबर से लाए हुए हैं जयपुर, टूटे हुए हैं देखो टूटे हुए हैं ये भी नहीं, लेकिन चार हाथ वाली मूर्ति है, जैसे ये एक हाथ हो गया ये वाला,
और दूसरा हाथ कहाँ है? ये रहा शायद, ये रहा, ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया, एक दो तीन चार, ना ना ये तो हाथ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कुछ और हो गया, आती है ये पीछे वाला हाथ है, हाँ एक दो तीन चार, बस थोड़ी बहुत डैमेज हो रही है, जैसे कुछ ना कुछ आँख नहीं है, किसी का मुँह नहीं है। और भाई ये है हमारे सामने विष्णु जी के कई सारे अवतार की वो है, ये बस ये थोड़ी बहुत टूटी वगैरह कोई ना कोई कोई पार्ट टूटे, इसमें ये टूटे हुए हैं, ये ऐसे मुँह वगैरह, ये देखो ये लिखा जब तुम्हारे सामने तीर कमान, ये देखो बाकी इसको कहते हैं बो इसको, और बाकी जो ये है ना तीर वगैरह, इनको दूसरी भाषा में कतार एरो बोल रहे हैं, ये देखो लकड़ी के बने हुए सारे। और ये भैया मुगल जमाने की तलवारें, और ये शील्ड, ये देखो नागिन है ना इसका नाम, देख क्या है ये ब्लेड लाइक फीमेल, ये रहा कोबरा, ये रहा फीमेल कोबरा, वीवी ब्लेड लाइक है फीमेल कोबरा, ये वाली बोली भाई बंदूक के चेक करो, ये वाली, ये देखो ये है कार 98 और ये वाली है ओम, ये ओम, अरे बढ़िया, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये देखो श्री निरंजन दास सानी जी को अवार्ड मिला था सरकार की तरफ से, ब्रिटिश राइफल है ये सारी की सारी, ये तो कुछ अलग ही दिख रही है भाई, ये देखो ये जी देखो कितनी छोटी पिस्तौल है, ये देखो, और ये हो गया अपने बारूद रखने का, और इस जमाने की बंदूक देखो ये वाली, मजर लोडिंग पिस्टल पाउडर ऑन, जो फेमस तीन बंदूक है अक्षय कुमार के, हेरा फेरी वाली फेरी फेरी लूंगी, ये यही बंदूक है वो जो अक्षय कुमार लेकर भाग गया था उसने, ये बंदूक चेक करो, ये कौन से जमाने की बंदूक है भाई, क्या है ये, इसको मैं दिनेश को चलाने के लिए बोल दूंगा, तो ये ढह जाएगा इसका शरीर, तो ये देखो ये भाई, ये तुम्हें फोटो मतलब वीडियो में छोटी लग रही होगी, ये बड़ी बंदूक देखो ये कितनी बड़ी है, देखो ये नली देखो इसकी, और भाई रे ये देखो, देखो भाई सबसे फेवरेट है ये वाला माता खोलने के लिए, इसका नाम है गुर्ज, पांचवे नंबर का, ये देखो, और ये सामने जो है ना ये हिरण के असली सींग लगे हुए सारे, ये देखो भाई ये हुक्का, कहीं से देखा तुमने इस तरीके की हुक्का, ये देखो और जो भी इसकी पत्ती है ना ये गोल्ड प्लेटेड है सारी, ये देखो कितना बड़ा है, और बाकी इसका सामान देखो ये रहा नीचे, ये वॉश बेसिन है भाई, ये देखो इसमें हमारे घर पे कैसा होता है, इनके यहाँ पे कैसा था, ये देखो पता नहीं क्या देखने के लिए साफ, ओ दिनेश इधर आ, ये देख तेरे पीछे भाई के पीछे, ये क्या चीज़ है, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये देखो ये नीचे को लिखा ही नहीं इसके, बहुत बढ़िया, ये सारी ना शील्ड है, लेकिन इस पर महाभारत शील्ड इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें महाभारत छपी हुई है, देखो ये देखो इसका, ये देखो पीछे से देखकर दिखाता हूँ, देखो लग तो कुछ कमाल ही रही है, देखो भाई क्या है गोल्ड से देखो पूरी, लेकिन उधर वाली की तो बात अलग ही थी, वो देखो वो कितनी बड़ी है, इन दो के बराबर है वो, उन्होंने बता रहा है कि हाँ मम्मी रहते हैं मम्मी, अरे वही फिल्मों वाली अंदर से ना गुड़क मच रही मम्मी देख रही थी। तुम्हारे सामने भाई अलमारी कैबिनेट है उस टाइम का, ये देखो, और बाकी ये सब भी वही खाने पीने, ये पानी की बोतल है सारी, ये सारी पानी की बोतल है,
रखी है, चप्पल की जोड़ी है उनकी, इजिप्शियंस की। इजिप्शियन के टाइम क्या हो गया भाई, ये देखो किस तरीके की चप्पल है, ये देखो ना भाई, एक बार गैस कर लो कि क्या चीज़ है भाई। ये है लकड़ी का हथौड़ा, हथौड़ा ये लकड़ी का उस टाइम का। इंडियन बैग पाइप जो आप कार्टून वगैरह में देखा होगा ना, ये दो डंडियाँ बजती थी उस पर बैग फूलता था, ये है दिखाता हूँ जिसको तुम हैरान हो जाओगे। देखो अब देखो, अब ये देखो इसका नाम है रबाब। ये देखो ये किस तरीके के गिटार या सितार बोल लो तुम इसको। ये देखो कितना बड़ा। ये पहले बजा था महाराजा मानसिंह में, जब महाराजा मानसिंह राजा बने थे ना उस टाइम का, ये उस टाइम पे पहली बार बजा था। ये हमारे सामने मिस्र की मम्मी, ये देखो किस तरीके के केस में रख रखी है। ये देखो कितना बड़ा केस है, ये देखो। अब पता नहीं ये मम्मी असली है ये नकली है वो नहीं पता। ये जो मम्मी लेटी है ना इसका एक्सरे है, ये 2011 मार्च में करा गया है। ये तुम्हारे सामने ना ये असली है, इसके अंदर असली है, मतलब इसकी ड्रेसिंग वगैरह होती है जब भी होती है, लेकिन इसके अंदर असली हड्डी है, मतलब जो उस जमाने की था वो ये है। और ये है फीमेल की बॉडी है एक इसके अंदर, इसके अंदर मैं तो सोचता था काफ़ी सारी मम्मी होगी, लेकिन इस पूरे एल्बर्ट हॉल में सिर्फ वो एक ही मम्मी है, बाकी सारी बस वही है मूर्ति है, मतलब पुराने ज़माने का काफ़ी कुछ सामान है। देखो ये है थोड़ी बहुत ज्वेलरी, और इतना बड़ा ये दिख रहा है इतना बड़ा, ये इयर रिंग है इतनी सी जो कान में पहनते हैं ना, और ये सारी हो गई गले की ज्वेलरी, ये सारी, एक ये दो ये तीन, तो भाई हम लोग एल्बर्ट हॉल से निकल चुके हैं। और एल्बर्ट हॉल का जो एक्सपीरियंस था वो काफी बढ़िया था, क्योंकि इससे पहले कभी मैं म्यूजियम गया ही नहीं, और आज इस बार पहली बार गया था मैं, तो भाई काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब एक फैसिनेटिंग चीज होती ना वो बढ़िया थी। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।